इतना सज्जन व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। आप लोग बताइए जिताएगा कि नहीं जिताएगा। देखिए देखिए उनका हेलीकॉप्टर देखिए उड़ चुका है यहाँ पे काफी। देखिए 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 क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था, अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। क्या कर रहे, चलो ना यार, चल बाहर। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा सर, सर चाचा जी पलट के उसको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक हो के बताओ, पहले मोदी जी का पैर छू रहे राशन दे रहे 5 किलो। अरे राशन, हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, महंगाई भी कम करेंगे। मोदी की इंटरव्यू देते तो अक्षय कुमार को देते हैं, अक्षय कुमार पूछते मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं। अभी बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू दे रहे साहबगंज से हट गया है। अरे साहबगंज से हट गया ना भाई, साहबगंज से हट गया है, सामने से हट गया ना। पलायन है, किसानों की समस्या है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सारा मुद्दे पर जो है चुनाव हो रहा है। आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, विकास के कार्य हो। सदन में आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाए, आप लोग ऐसा सांसद चुनिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कुमार सरबजीत जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया। कुमार सरबजीत जी आपके घर के बेटे हैं, इनके पिताजी का गया के लिए सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा योगदान रहा, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है। और अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सरबजीत जी पर्यटन मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, और आज अगर आप बोध गया चले जाइए, इनके क्षेत्र चले जाइए, तो एक ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं हो, एक ऐसा गांव नहीं जहां पुल की कमी हो। आप एक बार जाकर के देखिए, हर जगह रोड, हर जगह पुल, हर जगह विकास के काम इनके क्षेत्र में हो रखा है। यही 17 महीने में कितने योजनाएं, चाहे सड़क का हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का हो, पुल पुलियों का हो, या नगर विकास आवास का हो, सारी समस्याओं के लिए लगातार इन्होंने आवाज उठाया और सारा काम कराया, पास कराया। हम लोग तो काम कर रहे थे, लगे इधर चाचा जी पलट गए। अब कई इतने नौजवान प्रत्याशी है, इतना
सज्जन व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। आप लोग बताइए जिताएगा कि नहीं जिताइएगा, थोड़ा हाथ उठा करके बताइए पीछे से जिताइएगा, चाहिए आपके लिए काम करेंगे, नेता बन के नहीं बल्कि आपका बेटा बनकर के काम करेगा, आपका भाई बनकर के काम करेगा। अब चाचा जी पलट गए उनको हाईजैक कर लिया ना सर, अब हाईजैक होके बताओ, पहले मोदी जी का पैरवे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं क्या स्थिति हो गई, हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ, क्योंकि ये बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है वो मोदी जी का पैर छू रहे, पैर दबा रहे, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, हमको बहुत चिंता है, वो तो 4 लाख सीट बता दिए उसी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4,000 कर दिए, घटा दिए भाजपा, बताइए क्या स्थिति बनी हुई। तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी किसी से, फ्री ने जो 17 महीने में किया 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ, इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था, अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा, हम नौकरी दे रहे थे वो लोग मेरा सरकार खिला रहे, हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया, तालमी मानदेय विकास मंत्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया, हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे, हम लोग ने जाति आधारित गन्ना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे, आंकड़े आ गए थे जाति आधारित गन्ना का, कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे, उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है, उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था, तो बीजेपी आयदा के लिए क्या काम कर रहे थे हम लोग, जो बेरोजगार तो नौकरी तो दिए, लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1 लाख रुपया दे रहे थे, जिसका पक्का मकान नहीं, घर बनाने का 2 लाख रुपया दे रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं, 1 लाख दे रहे थे, जिसको जमीन नहीं है जमीन खरीदेगा, और मकान बना रहा है पक्का तो 1,30,000 रुपया दे रहे थे, ये हम लोगों का योजना चल रहा था, सर्वे का यही ना फायदा हुआ, आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब है, और उसको पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़े जाति में बहुत गरीब है, अभी पिछड़े में और गरीब है, दलित आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है, ये पता चलो, इसके तहत हम लोग सबके लिए काम करते, सब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन सरकार पलट गए तो पलट गए, उसकी हमको चिंता नहीं है, लेकिन आज मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं, फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे, चुनाव के बाद चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो चुनाव में आएंगे, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके प्रखंड के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया,
आपके राज के लिए क्या क्या वो दीजिए। अरे खाली बोलते कि राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, महंगाई भी कम करेंगे। हम बोलो राशन मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने से राशन मिलता था कि राशन तेल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी भी मिलता था, तो पहले ही से न चलता रहा भाई। अब ऐसा लग रहा कि राशन मोदी जी बटवा रहे हैं। बीजेपी के विधायक थे कई लोग, यहाँ एमपी लगातार जीत के जाते रहे एनडीए के, ऊपर से नीचे एनडीए के लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा बिहार गया गरीब है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी लाचारी है, फिर भी भूमि ही रहे लोग, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, आर्थिक बल नहीं दिया जा रहा, पलायन नहीं रुक रहा, पक्का मकान नहीं मिल रहा, तो कैसे चलेगा? सब तो उन्हीं लोगों का है, ऊपर से नीचे सब पहले काम हो रहा है। ये पूछिएगा अपने आप से, जब तक अच्छा प्रतिनिधि नहीं बनेगा तब तक आपका गांव, आपका जिला, आपका प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात समझिएगा। मेरे मानने से तरक्की की अच्छा उम्मीदवार अब प्रत्याशी पूरे गांव में नहीं होगा जो ये काम करके आप लोगों को दिखाने का काम करें। लोग बोलते हैं कि देश का देखो चुनाव है, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब गांव का विकास नहीं, आपके जिला का विकास नहीं, आपके राज्य का विकास नहीं, तो देश का कैसे विकास होता है? गांव गांव से देश बनता है, गांव गांव से ब्लॉक बनता है, ब्लॉकों से विधानसभा बनेगा, जिला बनेगा, जिला के बाद राज्य बनता है और राज्यों से ही देश बनता है। तो जब तक हमारा गांव नहीं विकास करेगा, हमारा पंचायत विकास नहीं करेगा, हमारा जिला का विकास नहीं होगा, तब तक आपके देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपको अच्छा ईमानदार प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर जगह हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें बोलते, मोदी जी आते तो हम लोगों के लिए आ रहे हैं। मोदी जी एक बार बोले कि आएंगे तो क्या करेंगे, महंगाई कम करेंगे नहीं, गैस का कितना कीमत हो गया 1000 के पास 1200, आप देखिए उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में बात की नहीं किए, महंगाई के बारे में क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोगों को बोल रहे खाली परिवारवादी है, परिवारवादी है। पहला फेज में कहां का चुनाव, औरंगाबाद में है, गया में है, नवादा में है और जमुई में। जीतन आमाजी जी परिवारवादी नहीं लग रहे, उनका बेटा उसको संतानों के बना दी। तब मोदी जी क्या बोले, नवादा में चले जाइए तो सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर, औरंगाबाद चले जाइए तो सुशील कुमार जी के बेटे, आप सब लोगों को पता है कि नहीं? और जमुई में चले गए तो चिराग जी से जीत जाते। अरे वो सब नहीं माना, हमने देखा जो नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख रुपए का, और जो आज तक किसी और के भोट पर राज किया वो अच्छा। हम लोग काम करने वाले लोग यही बात बोलते हैं। जब ये बतवा याद दिलाए मोदी जी को तो 2 बार से बिहार आने भूल गए परिवारवाद का आरोप लगाना, भ्रष्टाचारी बोल रहे, रेलवे को बेच, सारा देश के संपत्ति को बेच दिए, सेल को बेच दिए, जहाज को बेच दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, पोर्ट को बेच दिए, क्या क्या नहीं बेचे सब तो पता है। लालू जी को बोलते भ्रष्टाचारी, लालू जी ने रेलवे मंत्री रहते हुए 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया था, हर बजट में भाड़ा कम करते थे। बता प्लेटफॉर्म का टिकट कितना था पहले लालू जी के समय में, आप कितना है? पहले 3 रुपया था, इनके टाइम में 50 रुपया हो गया, और ट्रेन का टिकट
ट्रेन का टिकट कितना पूरा पड़ गया बताइए। और हर बजे तक कम करते थे लोग, हर बजे तो बढ़ा रहा पैसा। गरीब कैसे सफर करेगा? सफर करने वाला तो ट्रेन है ना है गरीब का, बताइए। कूली लोग को परमानेंट कर दिया देश भर के कूली लोग को लालू जी ने। कहां भाइयों के लिए कूलर चालू करवा दिया तुम्हारा चाची लोग, ताकि लोगों का रोजी रोटी चलता रहे, आर्थिक स्थिति ठीक रहे। बिहार को तीन कारखाना दिया लालू जी ने। और बात करता कि लालू जी ने क्या किया, आप तो रेल बेच दिए ना। पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, पता भी नहीं चलता है कि कहां बजट गया। याद है कि नहीं? इन लोगों का केवल काम है आरोप लगाना। अरे लालू जी तो सोचते थे गरीब रथ चालू करके ताकि स्लीपर में ना बैठे, एसीओ में गरीब बैठ जाए। ऐसा गरीब रथ चालू किया था लालू जी। सब इतना काम किया, बात करते विदेश के लोग, हावड़ से लेके एनसीआर के लोग, विदेश के सबसे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का छात्र सब आके पढ़ता था और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु कहता था। ये सब बात का प्रचार नहीं करे। यहाँ कुछ मीडिया के लोग हैं, बीजेपी माइंड सेट के कुछ लोग हैं, सब नहीं लेकिन कुछ लोग हैं। एक तरफा मोदी जी समुद्र में टुक्की लगाएंगे, कार्पेट लगा के बैठ के द्वारका चले जाएंगे तो दिन रात वही दिखाएगा। मोदी जी चीता देखने जाएंगे तो चीता दिखाएगा। देखिए मोदी जी चीता देखिए, मोदी जी गुफा में बैठ जाएंगे तो गुफा का दिखाएगा। देखिए गुफा में बैठ। अरे आपका क्या भलाई का बात कर रहा है भाई? कौन सा भलाई का बात कर रहा है? कभी एक बार इन लोगों से पूछो गरीबी के बारे में। मोदी की इंटरव्यू देते तो अक्षय कुमार को देते हैं, अक्षय कुमार पूछते मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? अभी बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं। कुछ नहीं निकल रहा, सब चीज अब बिहार के लिए कुछ नहीं किया। हाँ मोदी जी केवल हर चीज गुजराती में कर दी, बिहार के लिए नहीं। इसलिए आप लोगों के बीच आए इधर उधर नहीं, चुपचाप लड़ते इच्छा तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई पलामू से देखिए औरंगाबाद से लोगों ने खुशवाहा भाई को टिकट दिया, यहाँ शरदजीत पासवान जी को हम लोगों ने दिया, नवादा में भी संतोष खुशवाहा है उनको दिया, और जम्मू में श्रवण कुशवाहा को नवादा में, आज जमुई में अर्चना रविदास को हम लोगों ने टिकट दिया, और यहाँ पलामू में ममता भुइया को हम लोगों ने टिकट दिया। सबको लेके चल रहे, यह पार्टी है दूसरे की पार्टी है। सबका मान, सबका सम्मान, सबका प्रतिनिधित्व हो ताकि सब लोग अपने अपने लोगों के बारे में आवाज उठाए। हम लोग सबको सम्मान दे रहे, तो आप ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, चुपचाप लगते इच्छा। इनको शरदजीत जी को जिताना है ना? अरे दोनों हाथ तो उठा के बताइए, इनको विजय का माला पहना दे ना। अब मोदी जी या कोई आएगा तो हिसाब लगा लीजिएगा। अब मांझी जी से जरूर पूछिएगा कि शराबबंदी के खिलाफ आप बोलते थे कब चालू करा रहे? आप तो सरकार में है ना, उनके मुखालों से ना उससे पूछिए। ममता भैया जी को जो भी आप लोग संबंधित तो प्यार अगर होगा पलामू में तो वहां भी मार्केट को चलाना है, और ममता भैया जी को जिताना है। आप सब लोग को नहीं भैया।
ये चलिए चलिए हटिए हटिए, अरे हटो, खड़ा क्या देख रहे हैं, चल चल हटे, चलिए ना भाई हटिए ना, चलिए भाई इधर आइए, क्या कर रहे हैं, चलो ना यार, चल थोड़ा सा सर, थोड़ा सा सर, सर तेजस्वी यादव जी यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए वो हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से उनकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाली है, देखिए दिखाना खबर है कि यहाँ पे प्रखंड मोहनपुर में जनसभा करने के लिए तेजस्वी यादव जी पहुंचे हुए थे। गया लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन आरजेडी के उम्मीदवार हैं कुमार सरोजित जी, उन्हीं को लिए ये वोट मांगने के लिए आए थे, जनता से अपील करने के लिए आए थे। देखिए उनका हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है, अब इनके हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरने वाले तेजस्वी यादव जी इसी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और यहाँ से अब कुछ ही पलों में ये अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा उड़ान इनकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगी और यहाँ से तेजस्वी यादव जी निकल जाएंगे। देखिए इनकी हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में इनकी हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरेगी और ये प्रखंड मोहनपुर से अपने जनता से जो वादा किए हैं चुनाव जीतने के बाद कि कुमार सरोजित जी को चुनाव आप लोग जिताइए और चुनाव जीतने के बाद कुमार सरोजित जी आपके सारे वादे को, मैंने जो वादा किया है सारे वादे को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी बैठे हुए, आप लोग देखते रहिए। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी और रिंकू यादव जी जो अभी एमएलसी हैं। देखिए उनके हेलीकॉप्टर की गति कितनी काफी तेज हो गई है, काफी हवा तेज हो गई है, अब यहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर जैसी उड़ान भरने वाली है। देखते रहिए आप लोग, देखते रहिए, देखते रहिए कितनी संख्या में भीड़ है, दर्शकों का भीड़ देखिए, उनका प्यार देखिए, कितने लोग उनको चाहने वाले हैं, यहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए 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 उनका हेलीकॉप्टर देखिए उड़ चुका है यहाँ पे काफी, देखिए 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 तेजस्वी यादव जी किसको यहाँ से उड़ चुके हैं, अब यहाँ से वो निकल चुके हैं। Yeah.